हेलो मानस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे करा था? हमने लास्ट क्लास में हमने करा था आपका इंजेक्शन, सजेशन और आपका बाइक। इंजेक्शन का मीनिंग क्या है आपका? कि वन द फंक्शन इज वन। और सजेशन का मीनिंग क्या होगा आपका? आपका होगा ओन टू, ओन टू। और जब दोनों कंडीशन अगर आपके फुलफिल होंगे तो आपका आएगा बाय द। तो आपको मैंने बोला था कि सर्जेक्शन की मतलब इंजेक्शन के केस में, मतलब वन वन के केस में क्या होता है, होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए शुड बी इक्वल टू एंड लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये बताया था। और ऑन टू के लिए कंडीशन क्या बोली थी? ये था आपके, ये आपका है इंजेक्शन और ये आपका है सर्जेक्शन। और सजेशन के केस में मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। और बाइजेक्शन के केस में क्या बोलना था? बाइजेक्शन का मतलब क्या था? जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो दोनों कंडीशन क्या रहेंगी, मतलब दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो सपोज करो, अगर कोई भी एक सेट में एक एलिमेंट है थ्री और एक सेट में अगर आपके एलिमेंट है फाइव और आपसे बोला नंबर ऑफ बाइजेक्शन बताना है, क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ बाइजेक्शन बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? मानस मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? नंबर सर आवाज ऑफ नहीं आ बाइजेक्शन। रही, आवाज नहीं आ रही? नहीं, कम आ रही है बहुत सर। अब ये माइक हटा लो। फिर तो फिर और भी नहीं आएगी माइक नहीं सर, तब ज्यादा सही आती है। सर से। पाओ मुझे बताओ कैसी है, साउंड कैसी है? कम आ रहा है। कम आ रहा है? हेमंत दो आप बताइए। सर मैंने तो हेडफोन लगा रखे, उसमें बढ़ा दिया बस। उसने बढ़ा दिया, एम्पलीफाइड कर दिया। ओके चल, देखते हैं। अब साउंड इंक्रीज है या नहीं है मुझे बताओ आप दोबारा से, या कम है? मानस यस सर, कम साउंड कम है, ज्यादा है या बिजली कम है? ठीक आ रही है सर। है, फिर हटाने ही पड़ेगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज थ्री एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज फाइव, तो हाउ मेनी बाइजेक्शन आर देयर? हाउ मेनी बाइजेक्शन आर देयर? बताओ मानस। क्या जी सर, 36। देखो दोनों कंडीशन का भी इक्वल होने चाहिए, कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बाइजेक्शन क्या होगा आपका? जीरो। नंबर ऑफ बाइजेक्शन क्या होगा? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होता है आपका? एन फैक्टोरियल होता है, या आप बोलो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उनका फैक्टोरियल होता है। क्योंकि बाइजेक्शन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बोथ द सेट आर इक्वल होते हैं। तो आप अगर नंबर ऑफ बाइजेक्शन की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, सीधा एन फैक्टोरियल। आगे बढ़े, अगर सपोज करो अगर दोनों सेट में अगर एलिमेंट अगर फोर फोर है तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना होगा? फोर फैक्टोरियल।
तो कितना होगा, 4 × 3 × 2 × 1, 24 बाइसेक्शन, 24 बाइसेक्शन, ठीक है। अब आता है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे आपके यहाँ पे आएगा स्कोप और गो, स्कोप और गो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोबो फैक्स है, इसका मीनिंग क्या है आपका, अगर मैं कोबो फैक्स है, इसका मीनिंग क्या होगा, एफ ओ जी एस। और अगर आपको मैं गो को एक्स अगर मैं बोलता हूँ, तो गो को फैक्स क्या होगा, जी ओ एफ एक्स को। सपोज अगर आपका, अगर मैं एफ एक्स अगर मैं बोलता हूँ, आपका एक्स स्क्वायर है और जी एक्स आपका मोड ऑफ एक्स, क्या है, मोड ऑफ एक्स है। और मैं आपसे बोलूं बताओ कोप क्या होगा, कोप तो क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का यहाँ पे आपका मोड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, देखो जी एक्स का मोड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा मोड ऑफ एक्स। आपने सिर्फ एक्स के रिप्लेस में क्या करना है आपको, एक्स, ये आपको ये मॉडुलस डाल दो। अगर मैं आपसे गो पूछता हूँ, तो गो क्या होगा, अगर गो टू तो जी ओ एफ एक्स होगा, तो यहाँ पे जी एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या होगा, मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर। कोप कैन नेवर इक्वल टू द गो, को कभी गो के इक्वल नहीं, कभी को आपका गो के इक्वल नहीं हो, ठीक है। सपोज करो एफ आपका एक फंक्शन है, आपका ए टू बी आपका एफ एक फंक्शन है, जी आपका एक अनदर फंक्शन है, वो आपका बी टू सी है, क्या है, बी टू सी है, तो आपका जो गो होगा वो आपका होगा ए टू सी, आपका गो होगा, और गो का आपका क्या होगा, सी टू ए। जैसे सपोज करो आपके पास ही सेट ए है, क्या है, आपके पास ही सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, देयर आर थ्री सेट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सपोज अगर आपके पास, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो गो होता है वो क्या होता है आपका, जी ओ एफ एक्स होता है, क्या होता है आपका, गो जी ओ एफ एक्स होता है। देखो ए टू बी आपका क्या होगा, फंक्शन है एफ, और बी टू सी आपका क्या है, जी आपका अनदर फंक्शन है, तो गो आपका होगा ए टू सी, जो होगा वो आपका क्या होगा, गो, क्या होगा, गो। मानस क्लियर है, तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे एक्स है, सपोज यहाँ पे ए टू बी आपका क्या है आपका, अगर मैं ए टू बी आपको बोलता हूँ, तो ये क्या है आपका, फंक्शन है एफ, और बी टू सी आपका क्या है, ये आपका अंदर फंक्शन है। तो अगर मैं सपोज ए सेट में अगर मैं एक्स को लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ए सेट में से मैं अगर एक्स को लेता हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर ये फंक्शन होगा, तो एक्स की इमेज क्या रहेगी, ये डोमेन है। देखो अगर मैं फंक्शन एफ के लिए बोलता हूँ, तो फंक्शन जो मेरा एफ है, उसके लिए ये क्या होगा आपका डोमेन, और ये क्या होगा, को डोमेन होगा। ऐसे जी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो जी का डोमेन कौन सा होगा, जी का डोमेन इज बी एंड को डोमेन इज सी, जी के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है आपका, ये एक्स है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ, तो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स होगा, है, ये एक्स की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स। और ऐसे एफ ऑफ एक्स की अगर मैं दूसरे साइड का अगर इमेज देखता हूँ, तो वो क्या होगी, जी ओ एफ एक्स को, क्या होगी, जी ओ एफ एक्स को। तो यहाँ पे एक्स की इमेज क्या है, दूसरे साइड में एफ एक्स है अंडर द फंक्शन एफ, और एफ एक्स की इमेज सी साइड में क्या होगी, जी ओ एफ एक्स होगी। तो अगर मैं ये बोलता हूँ, वो मेरा क्या होता है, अगर मैं वो ऑफ एक्स की बात करता हूँ, तो वो ऑफ एक्स की बात होता है जी ओ एफ एक्स होता है।
जैसे मैं एक्स की एक्स यहाँ पे क्या है आपका इनपुट है, और ये जी ऑफ एक्स क्या है आपका, आपका ये क्या आउटपुट है, आउटपुट है पूरा ओवरऑल ये आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला फंक्शन ए टू बी आपका क्या है, ये आपका फंक्शन है, जी आपका अनदर फंक्शन है, तो वो आपका ए टू सी होता है, मतलब ये आपका वो है। अगर मैं पोक की बात करता हूँ पोक, तो पोक आपका होगा सी टू ए होगा। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, क्या क्या की एक आपकी कंडीशन आएगी, और कंडीशन क्या होगी, इसमें कंडीशन क्या होगी, देखो अगर आपका यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करता हूँ, तो मेरा फंक्शन है, तो एफ तो मेरा फंक्शन है, उसके लिए डोमेन क्या है एक्स, रेंज क्या है एफ एक्स। ऐसे सिमिलरली अगर मैं जी एक फंक्शन लेता हूँ, उसके लिए डोमेन क्या होगा बी सेट, और फोर क्या होगा आपका सी सेट, मतलब रेंज है। तो अगर इसके लिए कंडीशन वो जब भी एक्जिस्ट होता है, कंडीशन क्या होगी, अगर वो की कंडीशन हमें बतानी है कि क्या होगा, कि जो रेंज होता है, देखो जो रेंज होगा किस फंक्शन की रेंज, किस फंक्शन की रेंज क्या होगी, मुझे फंक्शन की रेंज बताओ, हाँ एफ की रेंज क्या होगी, तो रेंज ऑफ ऑफ एफ शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। ठीक है, इसे लिखकर वो एग्जिस्ट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज डोमेन ऑफ जी। मतलब अगर आप ये गो को देखोगे, तो जो इसका अगर गो को देखते हो, तो जो रेंज है फंक्शन की वो उसका क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। फंक्शन की जो डोमेन है, मतलब फंक्शन का अगर फंक्शन का जो डोमेन है, मतलब जो तो आपकी रेंज है, वो आपके डोमेन होना चाहिए किसका, सबसेट, ये किसका सबसेट होना चाहिए, जी का सबसेट होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी। और वो देखो अगर मैं सिंगल अगर मैं पॉप की बात कर रहा था, यहाँ पे यहाँ पे पॉप की बात कर रहा था कि पॉप ये हो रहा है, अगर मैं पॉप की बात करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को लूंगा, इससे कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर मैं एक सी टू ए लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी इमेज करेगा, अगर मैं एक्स लेता हूँ अंडर दिस फंक्शन जी एक्स होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स होगी, नहीं एफ ऑफ जी एक्स। तो देखो जैसे गो होता है वैसे आपका, जैसे गो होता है वैसे आपका गो भी होता है। गो में क्या करते हैं, गो में गो एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, इसमें क्या होगा, देखो जी है जी, जी आपको बोलना है रेंज ऑफ जी बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, जो बाद में आ रहा है उसको क्या होता है, उसकी रेंज हमेशा सबसेट होनी चाहिए किसके, डोमेन ऑफ एफ, वो जब ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो गया यस सर, ओके, सबने वो कब एक्सेस करता है, जब ये एक्सेस करेगा वो में जो रेंज है एक्स की, वो क्या चाहिए, डोमेन ऑफ जी होनी चाहिए,
केस में क्या हो जाए, रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ, क्योंकि जब ये ऐसे बनेगा जी पे डिपेंड करता है किधर वाला, एक का डोमेन दूसरे की रेंज में है। रख कर दें, अब क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब ऑफ दे रहा है मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स और एफ ऑफ जी एक्स आपका दे रहा है साइन रूट एक्स का स्क्वायर और आपसे एफ एक्स और जी एक्स को, आपसे एफ एक्स और जी एक्स को, तो क्या करना है? ऑप्शंस में ले लो, एक पहला ऑप्शन ले लो एफ एक्स आपका साइन स्क्वायर एक्स है और जी एक्स आपका रूट एक्स, तो फोक निकाल लेते हैं, फोक एफ ऑफ जी एक्स पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस रूट एक्स जब पुट कर दूंगा तो साइन स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ये तो ठीक आ रहा है, बट अगर मैं फोक की बात करूंगा, फोक की बात करूंगा जी ऑफ एफ एक्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आपके पास क्या है साइन एक्स है, क्यों? क्योंकि आएगा जी ऑफ एफ एक्स में आप रूट साइन स्क्वायर एक्स को रखोगे और ये कट जाएगा तो आपके पास साइन एक्स आएगा, बट आपका गोल क्या नहीं है मोड का, तो दोनों में से एक तो मॉडुलस होना चाहिए ना, तो ये तो हट गया, दोनों में से एक मॉडुलस होना चाहिए, तो आपको कौन सा देखना है यहाँ पे? सेकंड अगर देखें, सेकंड एफ एक्स यहाँ पे साइन एक्स है और जी एक्स आपका यहाँ पे मोड ऑफ एक्स है, तो अगर मैं कोक की बात करता हूँ कोक कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स साइन साइन मोड एक्स आएगा और ये गलती नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर है और आपके पास साइन रूट एक्स है, तो मोड तो चाहिए था नहीं है ये घटा, तो इसमें बी ऑप्शन होगा आपका, एफ एंड जी कैन नॉट बी ग्रेटर, कैन नॉट बी ग्रेटर पता है ही नहीं, एक मॉडुलस होगा और एक रूट होगा पर है ही नहीं कोई कोई दो ऑप्शन, और साइन भी होना जरूरी है, तो हो गया। यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता हूँ कि अगर मैंने आपको कोब ऑफ एक्स दे दिया वो है आपका साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर और कोब ऑफ एक्स अगर मैंने आपको दे दिया साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने आपसे बोला कि बताओ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होगा,
होगा क्या होगा सर? सर अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा? प्रशांत बताओ। एक्स सर साइन तो कहेगा कि आह एफ एक्स साइन सर के ऊपर जी प्राइम इनवर्स में होगा। देखो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो पूरे में थोड़ी है स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हाँ तो एफ, हाँ और ऐसे अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात करूंगा तो क्या है आपका सर एफ साइन। एक्स साइन एक्स होगा और जी एक्स एक्स स्क्वायर होगा। हाँ आपको स्टार्टिंग का जो देखना है एफ, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? साइन दिख रहा है, बाद में दिख रहा है साइन स्टार्टिंग में दिख रहा है, तो ये आपका एफ एक्स का होगा साइन। और जैसे जी ऑफ एफ एक्स में स्टार्टिंग दिख रहा है सबसे पहले स्क्वायर, आपको क्या दिख रहा है? होल स्क्वायर दिख रहा है, तो वो क्या होगा आपका स्टार्टिंग में जो दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एफ स्क्वायर स्टार्टिंग में देखो, ठीक है ये होगा। कंडीक्शन पता होना चाहिए इसके लिए। चलो एक क्वेश्चन ये करो, क्वेश्चन है आपका लेट एफ आपका एक फंक्शन है, लेट आपका एक फंक्शन है आपका ये 1 3 4 है, टेंस टू 1 2 5 1 2 5 एंड जी आपका एक अनदर फंक्शन है जी 1 2 5 से आपका ये ज्यादा है 1 3 हाँ। और जो हाँ और जो आपका गिवन बाय एफ आपका क्या है, अगर मैं बोलूंगा 1 2 3 5 और आपका 4 1 और जी आपका जो है वो है 1 3 2 3 5 1 ठीक है। और आपसे बोला कि बताओ वॉक क्या होगा, वॉक क्या होगा, वॉक क्या होगा? क्या होगा सर? सर
है सर उसे वॉक एक्सेस करेगा, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे अगर वॉक के बारे में, वॉक की पेयरिंग मुझे बतानी है। तो कैसे करोगे वॉक की पेयरिंग अगर मैं करूंगा, देखो यहाँ पे आपके पास एक थ्री फंक्शंस हैं, आपके पास यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं 1 3 4, 1 3 4 यहाँ पे 1 2 5, यहाँ पे आपके पास देखो 1 3 4 1 2 5 से भी बना रहा है, इनकी 1 2 5 से मेरे से बनो, यहाँ पे एफ होगा यहाँ पे आपका जी होगा। वन की इमेज देखो क्या है, वन की इमेज है आपकी टू, वन की इमेज है टू, और थ्री की इमेज है फाइव, फोर की इमेज है वन। ठीक है नेक्स्ट गो के अकॉर्डिंग क्या है कि वन की इमेज है थ्री, टू की इमेज है थ्री, और फाइव की इमेज है आपकी वन, फाइव की इमेज है वन। तो गो क्या होता है आपका जी टू एफ होता है, क्या होता है गो आपका जी टू एफ होता है आपका गो। तो अगर मैं गो को अगर मैं बताता हूँ, देखो गो को बनाओगे तो यहाँ पे देखो वन की इमेज क्या है एफ टू जी आपका गो होता है जी टू एफ। यहाँ पे गॉम तो अपनी एजेंसी कर क्या ले वाले अरे वो गलत कर दिया, वो तो एफ टू जी होता है, मैं सही बोल रहा हूँ, वो होगा आपका ये, वो मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ और बोल रहा हूँ। देखो वन की इमेज क्या आ रही है लास्ट में, क्या आ रही है वन की इमेज अगर मैं बोलूंगा, देखो यहाँ पे आपका वो क्या होगा आपका, अगर मैं वो निकालता हूँ तो वन की इमेज क्या आ रहा है थ्री, थ्री की इमेज क्या आ रही है थ्री की फाइव, फाइव से वन, और फोर की इमेज करें लास्ट में थ्री ठीक एम। ओके वो देखो डायग्राम से बना लिया मैंने, तो थ्री टू थ्री फाइव एक्यूब काम करवा दिया है कर्मचारी के चले जाओ। हो गया लास्ट एक और करते हैं, देखो क्लियर है ये सबको, हेमंदो पाओ मानस क्लियर यस सर, यस सर, है क्या यस सर, बोला, अगर मैं को पूछता तो क्या होगा, अगर को निकालना था रिवर्स जी से बड़ा अगर आप को मामा करके निकालना था तो कैसे निकालना, जी मामा उल्टा कर दो वन जी मामा वन कोमा थ्री, थ्री कोमा वन और थ्री कोमा फोर, हाँ दो जगह नहीं दो जगह बनेगा नहीं गड़बड़ हो गई, दो जगह बनेंगे यहाँ क्योंकि जी के पास तो एक ही है, दो ही है तो दो ही बनेंगे इमेज, तो वन की इमेज क्या होगी अगर फोर कोमा वन की इमेज आएगी थ्री, और थ्री की इमेज क्या आएगी फोर, बस यही रहेंगे फोर में। फोग में अगर मैं निकालूंगा फोग में तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्स है तो उसके ऊपर ऊपर जी बता एक्स है, और यहाँ पे क्या है आपका एफ ऑफ जी है,
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 की इमेज क्या आ रही है, एट लास्ट 3, और 3 की इमेज क्या आ रही है, एट लास्ट 1, और कोई नहीं, बस फॉर्म नेवर इक्वल टू 4। हाँ तो बोलो ठीक है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो भी जाएगा नहीं आ रहा मैथ में ठीक है, करते रहो। देखो अगर आपके तीनों फंक्शन है यहाँ पे, एक एफ है और एक जी है और एक एच है, ये आपके तीन आपके फंक्शन आर द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो अगर मैं एफ से जी करता हूं और उसका करता हूं किसके कंपोजिशन करता हूं नेक्स्ट वाले से, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच के इक्वल होगा ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में एफ और जी आपके दोनों फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में और उसका कंपोजिशन मैं एच के साथ कर रहा हूं, तो एफ ऑफ एच एफ ऑफ एच इंटू नहीं एफ ऑफ एच इंटू जी जीओ ऑफ एच होगा ठीक है, ये होगा। अगर देर आर थ्री फंक्शन तो ऐड कर लो, तो पहले इसे करना है फिर इसे करना है। एक क्वेश्चन है आपका कि आपका ये फंक्शन है आपका रियल नंबर टू रियल नंबर, आपका एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और वो है सिग्नम फंक्शन। क्या है वो फंक्शन आपका, ये जो फंक्शन है वो आपका क्या है, सिग्नम फंक्शन ठीक है। और ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, ये जीरो होता है जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ये ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू ग्रेटर जीरो के लिए आपका वन होता है, और एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए आपका ये माइनस का वन ठीक है। और जी आपका एक अनदर फंक्शन है रियल टू रियल नंबर, और यहाँ पे जो जी है वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोड ऑफ। और आपसे बोला कि जो वॉक है और वॉक है वो आपका कौन साइड कर रहा है, किस में कौन साइड कर रहा है, वॉक एंड वॉक कौन साइड -1,0 इसमें कौन साइड कर रहा इस पे कौन साइड कर रहा है, पहले मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तुम्हें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करता हूं, 1.1 ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4, ये आपका -1, ये -2, ये -3, तो 0 से 1 के बीच में क्या होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होगी। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 4.3 बोल दिया है, तो 4.3 के मतलब किसके नियर बाय जो लेस लेसर और मतलब के वैल्यू होती है आपका मोड ऑफ एक्स के, आपका जो मोड होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपका क्या बोलेंगे इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो अगर आपने 4.3 का बोलता हूँ, अगर मैं वो इंटीजर हाँ अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का 4.3 बोलता हूँ तो उसका मीनिंग क्या होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.3 बोलता हूँ तो उसका मीनिंग क्या होगा, 4.3 के नियर बाय का जो लेस देन हो या इसके इक्वल हो 4 होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 3.2 का क्या होगा, 3, अगर मैं बोलूं -1.2 और माइनस -1.2 बोलता हूं, प्लस 2
अगर -1.2 होता है तो -1.2 यहां पर लाइक कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है -1। तो -1 तो ये 0 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी वो उसको हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाता है 1। 1 और 2 के बीच और 2 और 3 के बीच में जो रहेगी वैल्यू उसका होगा 2। ठीक है, ऐसे हमें करना है। अगर -1 और 0 के बीच में जो भी रहेगी वैल्यू उसका -2। ठीक है हाँ, और -2 और -1 के बीच का कोई भी वैल्यू रहेगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाता है क्या होगा -2। हमेशा टेल पे डिपेंड करता है, किस पे करता है टेल पे डिपेंड। तो इसका आंसर क्या होगा अगर मैं बोलूंगा f आपका यहाँ पे सीएम है, तो अगर आप कोई भी वैल्यू को ले लो और एनी वैल्यू x पर और एनी वैल्यू f बिलोंग कर रहा है -1 से 0 के बीच में, कोई भी वैल्यू बिलोंग कर रहा है -1 और 0 के बीच में, तो पहले आपको कोक निकालना है। कोक क्या होगा, कोक का निकाल कोक ऑफ x f ऑफ g x होगा। अगर आप ये देखोगे तो f यहाँ पे क्या होगा, जीएस कौन सा फंक्शन है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें देखो -1 और 0 है, तो -1 को भी आप कंसीडर करोगे, इसमें -1 को करके देखता हूँ क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 क्या होगा -1 ही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं -1 का बोलता हूँ ये तो हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा अच्छा -1 ही होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करता हूँ, फंक्शन मेरा क्या है -1 के लिए, देखो -1 के लिए क्या है मतलब x की वैल्यू जब आपकी -1 है हाँ लेस देन 0 ही, तो इस केस में आपके पास क्या होगा -1 का बन आंसर है, क्या आ रहा है आपके पास -1 का बन है। वो अगर मैं वो निकालता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं बॉक्स निकालता हूँ बॉक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स होगा। तो जी आपका यहाँ पे एफ आप -1 से निकालो, एफ एक्स क्या है आपका सिंगल फंक्शन -1 सर कोइंसाइड करते हैं। -1 के लिए अगर मैं पहले दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, ये आपका क्या है सिंगल फंक्शन, तो यहाँ पर आपका -1। और -1 अगर इसमें डाल दूंगा मोड में मतलब ये आपका कौन सा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हटा दो है। तो -1 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करूंगा -1, तो ये आपका क्या करना है दोनों को साइड कर रहे हैं, मतलब आप टोक लो या भोग लो अगर आपका -1 से 0 के बीच में ये क्या करता है दोनों साइड कर रहा है, ये तो बस मैंने सिंगल फंक्शन बता दिया। कोक और कोक में ये भी होता है, देखो कोक और कोक में ये भी होता है कि अगर आपका एफ जो अगर आपका एफ फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, क्या है आपका एफ अगर आपका कंटिन्यूअस है और जी आपका भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आपका एफ क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैंने क्या बोला था जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है सारे कंटिन्यूअस है, जब बताया था ना जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सारे के सारे आपके क्या है कंटिन्यूअस। ऐसे अगर सपोज करो ये आपका एफ अगर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपका जो कोक भी होगा या वोक भी होगा वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा, मतलब उनका कंपोजिशन भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। डन सर, हो हाँ बोलो गया सर। हाँ बोलो मानस,
मैं कह रहा हूँ लिख लिया। हाँ क्या करना लिख लिया आपने? अब इधर रखें ठीक है। अगर आपका कोई भी अगर दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका वो उनका एडिशन उनका सब्ट्रैक्शन उनका डिवीजन उनका क्वेशन सब कंटिन्यूअस है। जैसे अगर मैंने किसी चीज के बारे में किया अगर आपका एफ एक्स क्या है आपका साइन टू और जी ऑफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर मैं बोलूंगा कि इसका कोफ कंटीन्यूअस है या नहीं। देखो साइन एक्स क्या है आपका कंटीन्यूअस है। अगर मैं देखूंगा कैसे गेम में मतलब साइन एक्स अगर कोई क्या है कंटीन्यूअस होगा हां और एक्स स्क्वायर भी क्या है आपका कंटीन्यूअस कौन फंक्शन है पॉलीनोमियल ये भी क्या है कंटीन्यूअस फंक्शन। तो जो कोफ होगा अगर मैं कोफ निकालता हूं एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा अगर मैं निकालता हूं जी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर हां तो ये भी क्या होगा आपका कंटीन्यूअस। या अगर मैं कोफ की बात करता हूं कोफ ऑफ एक्स की बात करता हूं तो क्या होगा साइन एक्स का स्क्वायर वो भी क्या होगा कंटीन्यूअस होगा ये भी आपका। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्वेश्चन है आपका एक एफ एक्स है आपका मोडुलस तो मोडुलस नहीं आपका एफ एक्स है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और जी एक्स है आपका मोडुलस फंक्शन ऑफ एक्स और मैंने आपको बोला बताओ वो को -π/3 माइनस को -π/3 क्या होगा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्या होगा। सेकंड है क्वेश्चन मेरा इसमें कि अगर आपका f प्लस 2g -1 होगा तो क्या होगा। हो गया क्या 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 तो जी आप पहले निकालो कि को ऑफ एक्स क्या होता है बेटा जी ऑफ एफ एक्स होता है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है कॉस की माइनस का 5/3 है तो यहाँ पे होगा जी और एफ माइनस का 5/3 ठीक है जी और एफ का -5/3। अगर मेरे फंक्शन में -5/3 का मतलब क्या होगा 5/3 का मतलब क्या होता है आपका वन पॉइंट सिक्स 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 1.6660 का
ये माइनस में क्या है, माइनस का 1.666 होगा। तो बताओ अगर देखो ये क्या है, फंक्शन क्या है आपको, कौन सा फंक्शन है यहाँ पे आपका, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। तो माइनस वन लोग पॉइंट सिक्स 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 का मतलब क्या होगा आपका, माइनस का 2। माइनस का 1.666 का मीनिंग क्या होगा, माइनस का 2, क्योंकि अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 2। तो यहाँ पे आप करोगे माइनस का 2 रखोगे, और जब जी की वैल्यू में माइनस का 2 पुट करूंगा, ये मेरा मॉडुलस है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ऐसे ही मैं फोक निकालूंगा, फोक फोक ऑफ एक्स क्या होगा, वो आपका जी ऑफ एफ एक्स होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है। तो अगर आप एफ ओ जी एक्स होता है नहीं, फोक है, हाँ फोक है, तो एफ ऑफ जी एक्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप करोगे एफ जी, मॉड्यूलस का पाई बाय यहाँ पे टू क्या है आपकी जी की वैल्यू क्या है, माइनस का पाई बाय टू, तो ये एफ क्या हो ओ जी जाएगा एक्स आपका, पाई ये बाय क्या टू पाई बाय टू हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस है आपका जी, कौन सा मॉडुलस, मॉडुलस मतलब न्यू पॉजिटिव कर देगा। वन हो जाएगा अब यहाँ पे वैल्यू दी थी 1.666, ठीक, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करूंगा आप, तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाय थ्री का डिवाइड, वन आपका मिलेगा 1.66 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। आंसर तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। अगर मुझे गोफ में से गोफ, ये वाले में से गोफ में से गोफ माइनस करना है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, गोफ माइनस गोफ अगर मैं निकालूंगा तो 2 माइनस 1 1 आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली दूसरा वाला करो, एफ में तो मॉडल चाहिए, इसमें देखो एफ में ये कभी भी कोई चीज है कुछ नया ताजा नहीं है, इस चीज को देखो, एफ प्लस 2g माइनस 1 है, तो क्या करना है आपको, पहले एफ में -1 प्लस 2g माइनस 1, ये है इसका मीनिंग क्या है, देखो चीज को समझो, इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि एफ प्लस 2g इनटू -1 है, तो -1 क्या है, ये क्या है आपका एफ, और ये मान लो जी और ये है एक्स, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, तो एफ ऑफ -1 की अगर मैं वैल्यू बता दूं, देखो अभी पहले से लिख लेते हैं, एफ ऑफ जी प्लस एक्स होगा तो ये होगा, एफ ऑफ माइनस जी होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और एफ बाय जी होगा इंटू एक्स, वेयर जी डज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में आपके क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, एफ ऑफ जी इंटू एक्स है, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है। तो मुझसे क्या पूछा सकते हैं, एफ प्लस 2g माइनस x पूछा, तो एफ प्लस 2g माइनस 1 पूछा, तो एफ ऑफ -1 प्लस 2g माइनस 1, तो एफ ऑफ -1 को अगर देखता हूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, -1। नेक्स्ट है 2g माइनस 1 अगर मैं लगाता हूँ, तो g-1 तो ये क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन है जी का, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1, तो आपका आंसर -1 प्लस 2, तो आपका आंसर यहाँ पे भी बना, यहाँ पर क्या आपका 1 है। अब इन्वर्स करेंगे, इसके बाद इन्वर्स फोक और गोफ का क्लियर हुआ, कैसे करना है, फोक कब एक्सिस्ट करेगा, जब आपका जी ऑफ रेंज ऑफ जी शुड बी द डोमेन ऑफ द एफ, और गोफ कब एक्सिस्ट करेगा, गोफ अगर एक्सिस्ट कब करता है ये बताऊं, कि गोफ एक्सिस्ट करेगा जब इसका रेंज इसका डोमेन हो, बस ऐसे याद कर लो, चलो माइंड मत करो, जब एग्जिस्ट करेगा, कंडीशन ही देखते हैं कि अगर नहीं हुआ तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो देखिए एग्जिस्ट देखो।
क्लियर है मानस, हेमंदु, फोर्थ क्लियर यस है? सर, यस सर, हाँ। यस सर। अब आता है नेक्स्ट, आपका है इनवर्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये भी देखना, एक चीज ये भी देखना कि अगर आपका जो एफ है, अगर आपका जो एफ फंक्शन अगर आपका बाइजेक्टिव है, ठीक है, बाइजेक्टिव है, और आपका जो जी फंक्शन भी है वो भी क्या है, आपका बाइजेक्टिव है, तो जो फोक और वोक भी होगा वो भी क्या होगा आपका बाइजेक्टिव। जो फोक और वोक भी होगा वो भी क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अब आता है इनवर्स ऑफ द फंक्शन की बात आती है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन की बात आती है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या है, जैसे देखो वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है आपका, तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन है फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इनवर्स हम निकाल नहीं सकते। फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन भी होना चाहिए और वन टू भी होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, यस ठीक है। और फंक्शन को बाइजेक्टिव, जैसे देखो जैसे अगर आपके पास एक ए है और एक बी है, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है एफ, आपका एक फंक्शन है एफ, तो यहाँ पे अगर एक्स होगा तो यहाँ पे आपका एफ एक्स होगा, तो देखो वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो जो एफ इनवर्स वाई है वो क्या है आपका, इसका अगर मैं इनवर्स करता हूँ तो ये भी मिल जाए, अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू f इनवर्स है, ठीक है। जैसे देखो एक चीज यहाँ पे देखना, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, y इक्वल टू log x होता है, जैसे y इक्वल टू log x होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या, आप अगर मैं बनाता हूँ ग्राफ तो ऐसे बनता है, तो वो जीरो है, ठीक है। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने का जो तरीका है वे है वो है हाउ टू फाइंड द इनवर्स, तो पहले क्या करना है, टू फाइंड इनवर्स पहला करना है पुट fx इक्वल टू y, जहां भी आपका जो फंक्शन है उसे y पुट करना है। सेकंड करना है इंटरचेंज x एंड y, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है आपको, सॉल्व y, टू गेट इनवर्स, ठीक है। जैसे y इक्वल टू log x है, y इक्वल टू log x का ग्राफ दे रहा है आपका, y इक्वल टू log x का ग्राफ दे रहा है, ठीक है। मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप जैसे y इक्वल टू log x मेरा ग्राफ है, तो पहले देखो, हाँ, अब आपको क्या करना है, y और x को इंटरचेंज करना है, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे x मेरा भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर मुझे y निकालना है, तो y से मैं निकालूंगा, तो देखो यहाँ पे log है, क्या है यहाँ पे log है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एंटी लॉग बन जाएगा, हाँ, तो इस ये क्या है, ये सी को क्या बोलोगे आप, इनवर्स बोलोगे, एफ ऑफ इनवर्स है। ये क्या होगा, एफ ऑफ इनवर्स है। तो देखो यहाँ पे आपका जो वाई लॉग एक्स है, ये क्या है आपका, अगर मैं बोलूंगा ये आपका क्या है ओरिजिन,
एक तरह का मिरर की तरह काम करता है। और यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कैसा होता है आपका, 0.1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दोनों, ये अगर f(x) है तो ये क्या है, f इनवर्स x, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ये क्या है, f(x), अगर ये फंक्शन है ये इसका इनवर्स, एक तरह की इमेज होती है। आप ये भी बोल सकते हो फंक्शन और इनवर्स की जो इमेज होती है वो एक जैसी होती है, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं, इमेज होते हैं। अगर आप बोलोगे मिरर इमेज, हमेशा इनवर्स आपका किसका निकलेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन का निकलेगा। हाँ अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले फंक्शन की जगह वाई पुट करना है, इंटरचेंज करना है एक्स और वाई को, और सोल्व करना है वाई को, वही उसका इनवर्स होगा। जब तुम सोल्व करोगे वाई को तो जो आपको मिलेगा वाई वो क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, मैंने फंक्शन दे दिया 2x+7, आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स एफ। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा है आपका, रियल नंबर टू रियल नंबर, क्या है रियल नंबर टू रियल, पहले चेक करो ये 1 1 2 है, 1 1 तो है ही, 2x1 = 2। अगर मैं एक्स, अगर मैं ये कंडीशन पुट करता हूँ f(x1) = f(x2), तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 1 तो है ही नहीं, ऑन टू निकालना है, ऑन टू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y = क्या होगा, 2x+7, 1 1 तो है ही। अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 2x1+7, 2x2+7, तो x1 = x2 होगा, मतलब 1 1 है। अब ऑन टू चेक करना है, ऑन टू चेक करने के लिए y = 2x+7, तो y -7y 2 आ रहा है। हाँ अगर आप y में कुछ भी पहले पुट करो रियल नंबर की, आपका x भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी एक रियल नंबर होगा, तो ये 1 1 भी ऑन टू भी, तो ये बाइजेक्टिव। अब इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, पहले y = क्या है, आपको fx की जगह y पुट करना है, फिर आपको क्या करना है, x और y को डिवाइड कर देना है, x यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको y सॉल्व करना है, तो y कैसे सॉल्व करोगे, 2y = x-7/2 करोगे, x-7/2 करोगे, और यही x-7/2 क्या होगा आपका, f इनवर्स x होगा। इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे तो रियल नंबर तो आएगी, रियल नंबर तो आएगी, कोई भी वैल्यू डालेंगे। हाँ तो अगर आप ये बोलते हो, अगर fx अगर आपका 2x+7 है तो उसका इनवर्स क्या होगा आपका, x-7/2, उसका इनवर्स ये होगा। हे बंधु कहाँ पे हो आप, बंधु सो रहे हो, नमस्कार। चलो चलो क्लियर है ना, रख कर दूं से। यस सर। इनवर्स कैसे निकालना है आपको वो पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए आपका जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं 1 2 3 4
और बी जो सेलेक्ट है उसमें जो एलिमेंट है वो है आपके 2, 4, 6 और 8, ठीक है। और आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, आपको ए टू बी आपको एक फंक्शन दे रखा है, और आपका यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका है 2x। क्या है 2x? तो आपको f फाइंड आउट करना है और उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। f और f इनवर्स क्या होगा? चलो क्या करना है इसमें, आपका यहाँ पे ए टू बी आपका ये क्या है, आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या है 2x। अगर मैं ये फंक्शन की बात करता हूँ तो फंक्शन है आपका ये 2x, यहाँ पे y 2 3 4, इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर होगा 6 और 6 का स्क्वायर होगा 8। तो यहाँ पे आपको फंक्शन तो मिल रहा है 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? देखो ये 1 1 भी है और 2 भी है ना, तो बाइसेक्टिव है। अब क्या करना है इसे, बस इसका जो आपका फंक्शन है ये बाइसेक्टिव है, इसका ऑर्डर पे रिवर्स कर दो वन फोर टू थ्री जो सभी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 करना, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16।
बिया यस क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? आपका जो फंक्शन है वो क्या है आपका? 3x-5 है। तो ये क्या 1 1 भी है, 2 2 भी है, निकाल दो भी। ये आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये आपका क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर है। इसका मुझे वो निकालना है, क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स आप करके करो, क्या करना है? हाँ, एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब वाई करना है। फिर आपको एक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू, फिर आपको इंटरचेंज करना है, एक्स इक्वल टू 3y-5। वाई की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स प्लस 5y3 आएगा। अगर ये ऑप्शन में है, यही आपका क्या है? इनवर्स। तो एक्स प्लस 5y3 है ना ऑप्शन में, है बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आगे सर बोल क्लियर है? इनवर्स कैसे निकालोगे? यस सर। फिर बाइनरी ऑपरेशन तो थोड़ा सा तो आगे करें तो अगर आपका एफ आपका ए टू बी है और आपका जी है आपका बी टू सी है, तो वो क्या होता है आपका? ए टू सी होता है। वो क्या होता है आपका? ए टू सी होता है। तो ये आपका क्या होना चाहिए? आपका बाइजेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन। हाँ ठीक है। और इसमें अगर मैं गोफ का, अगर मैं इनवर्स निकालता हूँ, अगर मैं गोफ का इनवर्स निकालता हूँ तो क्या होगा? जी का इनवर्स ओ एफ प्राइम। यस नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा, एफ सर। का इनवर्स ओ जी का इनवर्स, मतलब यहाँ पर रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज होती है। क्या होती है? रिवर्सल प्रॉपर्टी। सिलेबस है नहीं चैप्टर में।
अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी एक फंक्शन है, देखो हाँ, अगर आपका कोई एक फंक्शन है रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1, और अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया है आपको, ये है आपका x अपॉन x+1, ये क्या है, इनवर्टेबल इनवर्टेबल है। इनवर्टेबल का मीनिंग जिसका आप इनवर्स निकाल सकते हो, इसका इनवर्स क्या होगा? अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं इसका, आपको इसका इनवर्स क्या होगा? एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 तो आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन x+1, इसका मतलब क्या होता है पता है? ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -1, तो -1 रखने को तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो इसका इनवर्स निकालना है। तो क्या करना है, एफ एक्स की जगह वाई पुट कर दो, एमएक्स का वाई पुट कर दो, फिर वाई और एक्स को इंटरचेंज कर दो, जहां पे वाई है वहां पे एक्स कर दो और जहां पे ये है। फिर इसके बाद वाई को सॉल्व करके निकालो, तो वाई को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू वाई, तो मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इक्वल टू वाई क्या होगा, वाई माइनस एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं वाई को कॉमन लूंगा तो 1 माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू आएगी आपकी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अगर मैं बोलूं तो यही इनवर्स है आपका, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा आपका, यही होगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका इनवर्स। बुक आपकी एलुमिनी खाया होगा, बात करना चाहिए सर। नहीं, वैसे बोल रहा हूँ, इसे खाते हैं तो बढ़ जाता है, तो ब्रेन पे फोकस नहीं कर पाता। हाँ, कपाल काट क्या करो, सुबह उठ के 2 घंटा कंपल पत्ती करो, लीवर ना मुड़ जाए। वैसे पता चल गया है वो क्या बढ़िया पावर ही है। तो सकती है तेरा भेजो भेजो। हो गया बता, तेरा भेजो कॉपी हो गया यस सर। है। अरे सर, बताओ।
चलो अभी हम बाइंड के ऑपरेशन थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसे छोड़ के हम वेक्टर्स के हम वो रिलेटेड टॉपिक को पहले कर लेते हैं। ये वेक्टर 3D हो जाएगा तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, वेक्टर 3D प्लेन और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। क्लियर है मानस? यस सर। हाँ तो हमें एक वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, दो दो 3 मिनट बचाते रहो। तो पैटर्न में अगर आपको 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको 1 पॉइंट दे रहा है, 1 पॉइंट दे रहा है, एक पहले से पैटर्न में आपको पता है कैसे कि आप कैसे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हो, कैसे अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करोगे अगर कोई भी वेक्टर है यहाँ पे जैसे आई प्लस जे प्लस के, तो यहाँ पे एक्स के साथ यहाँ पे डी आर होते हैं, डी सी भी होते हैं। डी आर और डी सी कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आप डी आर और डी सी अगर निकालते हो तो कैसे फाइंड आउट करते हो? डी आर जैसे अगर आपका कोई भी वेक्टर है उसमें से एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर क्या होता है आपका? अगर मैं डी आर की बात करता हूँ तो जो डी आर होते हैं वो आपका आई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब आपका एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है, जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है और जेड एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है। तो डी आर की बात करते हैं एक्स वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसके करके डी आर समझ, क्या होंगे डी आर समझ। अब डीसी निकालने का तरीका क्या होता है? देखो डी आर तो ये होंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ अगर मैंने आपको कोई वेक्टर दे दिया ये वेक्टर जिसमें 2i + 3j + 2k, तो इसके जो डी आर होंगे वो क्या होंगे? अगर मैं डी आर की बात करूंगा तो 2, 3, 2, 3, 2 इसके डी आर होंगे। अब यहाँ पे देखो डीसी की बात करता हूँ, सपोज अगर आपका एक वेक्टर है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स एक्सिस के लोग ये वाई और ये आपका क्या है आपका ये जेड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अगर मैं मॉडुलस ऑफ द वेक्टर की बात करता हूँ इसका मैग्नीट्यूड है ओरिजिन से वो कितना है आर, ठीक है। और जो ये मैग्नीट्यूड है उसे कैसे निकालते हैं? वो होगा √x² + y² + z² आपका आर का मैग्नीट्यूड होता है, √x² + y² + z² सपोज ये वेक्टर आपका एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो जेड एक्सिस से आपका गामा एंगल बना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आपका जो डीसीज होते हैं वो डीसीज अगर मैं बोलता हूँ एलिमेंट होते हैं, डीसी क्या होते हैं आपके एलिमेंट। अगर मैं डीसीज की बात करता हूँ तो डीसीज में क्या होता है, पहले आपका आता है एक जो एन होता है वो होता है कोस ऑफ अल्फा, डीसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। अगर मैं एल की बात करता हूँ तो होता है कोस ऑफ अल्फा, और एन यहाँ पे क्या होता है कोस ऑफ बीटा, और एन यहाँ पे होता है कोस ऑफ गामा, कोस ऑफ गामा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बेसिक अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं कोस अल्फा देखता हूँ तो कोस अल्फा क्या होगा आपका, अगर मैं कोस अल्फा लिखा तो एक्स बाई आर होता है, क्या होता है एक्स बाई आर। कोस बीटा अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या होता है वाई बाई आर, और कोस ऑफ गामा अगर मैं निकालता हूँ तो होता है आपका जेड बाई आर है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर जैसे अगर मेरे डीसी तो यहाँ पे एल है यहाँ पे एन है और यहाँ पे आपका एन है, अगर मेरे डी आर अगर आपके जो डी आर है वो एक्स वाई जेड, तो बीसी का अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे एक्स की जगह पे देखो एल आर, ये एम आर और ये एन आर होगा, ये बीसी होते हैं एल आर एम आर और एन आर, इनमें एक रिलेशन भी होता है एल और एम और एन में एक रिलेशन भी होता है, वो क्या होता है L² + N² + N² = 1 होता है, ये इसका रिलेशन L² + N² + N² =
है, क्लियर है ये बताओ पहले। यस सर। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अंदर पैरेलल है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर, क्या होगा? अगर एक वेक्टर आपका पैरेलल है बी वेक्टर के, तो क्या होता है? जो ए वेक्टर टेन से रिप्रेजेंटेड है लैम्डा टाइम्स द बी वेक्टर, ये होता है कोलिनियरिटी कंडीशन होती है। ये कोलिनियरिटी कंडीशन होती है कि ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। सपोज अगर आपको कोई भी जैसे वेक्टर मैंने आपको ये दे दिया, जैसे ये वाला वेक्टर दे दिया a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k, आपका ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर है। अगर मैं इसके dr में अगर मैं कुछ भी नंबर कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करा, तो यहां पे क्या आएगा? अगर मैं इस वेक्टर में आकर 2 वेक्टर 2 मल्टीप्लाई करता हूं, है तो क्या होगा? इसके dr में अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 6 4, 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें क्या होगा? 6 9 6, तो अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ 8 12 8, तो जितने अगर आप किसी भी वेक्टर के डीआर में अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो, कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो जो जितने भी वेक्टर उसे जनरेट होंगे सारे एक दूसरे के टर्म में कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लिया आपने। अच्छा इसमें हमें करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी करना है, बट उससे पहले डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को काम चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपका पहले आता है सेक्शन फॉर्मूला, हम सिर्फ समझेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे बस। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सपोज अगर आपका एक वेक्टर है जिसे रिप्रेजेंट करा आपने ये वेक्टर से, हां ये वेक्टर से आपने करा है ये रहा, और ये आपका क्या है? अनदर वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, जो कि पोजीशन वेक्टर बता रहा है आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो सपोज सुनो, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर आपका सी वेक्टर है, मतलब अगर मेरे को ये मेरा ए वेक्टर है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, किससे? आपका ओरिजिन से। या बी वेक्टर भी आपका क्या है? आपका पोजीशन वेक्टर है, तो ये ए टू बी आपको यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। सपोज एक थर्ड वेक्टर है, जो एक थर्ड वेक्टर है सी वेक्टर, जो डिवाइड कर रहा है इस दोनों वेक्टर को, इस पूरे दोनों वेक्टर के डिस्प्ले, मतलब जो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, अगर मैं देखूंगा, देखो वो डिपेंड करता है कैसा है। आपको यहाँ पे नोज बताना चाहिए कि अगर एक वेक्टर, हम वेक्टर को कैसे ज्वाइन करते हैं? एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन करते हैं। जो थर्ड वेक्टर होता है वो क्या होता है? जो थर्ड वेक्टर होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है आपका, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर एक वेक्टर आपका दो वेक्टर अगर आपका किसी दो वेक्टर की किसी ट्रायंगल की दो आर्म्स को बना रहा है, तो जो थर्ड साइड होगा वो आपको रिजल्टेंट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि आपके एक एक वेक्टर आपका ए वेक्टर है और एक आपका बी वेक्टर है, ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या कर रहा है? सी एक वेक्टर है जो कि क्या कर रहा है? इस ए बी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है। सी वेक्टर इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है? बराबर, इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है? इंटरनली, क्योंकि ए बी के बिल्कुल क्या है, मतलब लाइन बीच में लाइन कर रहा है। तो सपोज करो अगर ये इसे डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा सी वेक्टर निकालने का, वो क्या था? एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम टू। ठीक है, अगर सपोज करो ये ए बी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन को डिवाइड, और ये क्या है? इसके बिल्कुल ए और बी के आपके मिड में है या बीच में लाइन कर रहा है किसी पॉइंट पे, सपोज
इसलिए कहेंगे इसे इंटरनली बोलेंगे, और एक्सटर्नल के केस में अगर करोगे तो यहाँ पर माइनस लगा होगा। इस केस में जो पॉइंट होगा ए एरा बी एरा, ठीक है, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, आर वेक्टर कहीं थर्ड में लाइट होगा आउटसाइड, ये एक्सटर्नली है। सर हाँ बोलो। सर आज आप डिलीटेड वाला पार्ट करा रहे हो इसके चैप्टर का? नहीं इसके बाद ही होगा, अभी इसके बाद डिलीटेड वाला बताऊंगा। तो मुझे पहले अभी सोलर जाना है, तो मुझे अभी कहीं जाना है, तो सर आज तो नहीं होगा ना डिलीटेड पार्ट? प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर क्या आएगा, चल रहा है आज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वो तो हुआ, वो तो थोड़ी प्रोजेक्शन होता सर जो डिलीटेड है वो अभी मत यही चल कराना रहा है है सर, ना। क्या बोल रहे हो मानस? डिलीटेड वाला अगली क्लास में करा देना। प्रोजेक्शन डिलीटेड था, प्रोजेक्शन था नहीं वेक्टर में से था, प्लेन प्लेन डिलीटेड बनाया था, हुआ है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? वेक्टर में से प्लेन डिलीटेड था, बाकी सब था उसमें पहले से। तो वही पूछ रहा हूँ सर मैं, नहीं प्लेन आज की क्लास में होगा या अगली क्लास में होगा? अगली क्लास में कोशिश करेंगे लाइंस का कंप्लीट कर देंगे, और पैरेलल और पाइप करना है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब तक लाइन समझ में नहीं आएगा जब तक वो नहीं हो पाएगा। तो सर आज तो स्टार्ट नहीं हो रही ना लाइव। क्या अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं बता देता हूँ अभी तो हाँ आपका वहां तक प्लस सर वो प्रोडक्ट हो करा हुआ है जाएगा। मैंने, वो करा हुआ है मैंने सर, बस रिलेटेड वाला नहीं करा हुआ। हाँ डिलीटेड इसमें जो है वो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वही पूछ रहा सर, वो आज तो नहीं होगा ना? वो कोशिश कर रहा हूँ। बेहतर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट अगर मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा उसके बाद सीधा आगे बढ़ूंगा। ये सेक्शन फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट पहले पता है कैसे क्या होता है अपना, इनका मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑफ एंगल डिफरेंट है, फोर्स ऑफ एंगल डिफरेंट है, और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। ऐसे अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होगा, इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल डिफरेंट है, और एक आपकी डायरेक्शन भी होगी, एक आपकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो डॉट और स्केलर आपको क्या करना है, सुनाई मानस कहाँ गए, मानस मंदु सर मुझे क्या पता मानस का, सर नहीं यहाँ पे, अभी कुछ बोला था उन्होंने कहाँ वो कह रहे थे जाएगा, पर, पता नहीं। जो स्केलर पेपर प्रोडक्ट हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, बट अभी हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जो डिलीटेड है हम वही पहले करेंगे, प्लेन्स भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, वही करेंगे हम इसके लिए पेपर प्रोडक्ट। और तो पहले
प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अगर एक वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन निकालते हो दूसरे वेक्टर पे, यहाँ पे ए वेक्टर है ऑन अदर वेक्टर बी वेक्टर, तो क्या करना है आपको? जैसे बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है आपको किस पे? दूसरे वेक्टर पे। तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर की क्या लेनी है, डायरेक्शन लेनी है। क्या लेनी है आपको? उस वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है। ये है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ ए वेक्टर, इसका अगर मुझे बी वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालता? उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उस वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड ये है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बताओ, क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 7i+j -4k ऑन 2i+6j+3k, आपको निकालना है, निकालो से। हाँ, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हुआ तो था, तो हुआ था सर, क्लास नहीं हुआ था। से कराया था और बोर्ड में भी आया था। है कराया था सर, अभी तो करो सर, आंसर निकालने के लिए ना कर रहा है, एक सेकंड करता है। इसे इंटू बी इसे था, बता, चौदह छह, चौदह छह, बी स्पेस स्पेस बाय ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है ना, तो इन दोनों डॉट प्रोडक्ट निकालो तो 7 तेईस। सर 14, फिर यहाँ पे निकालूंगा +6, फिर यहाँ पे निकालूंगा 4 3 सर अच्छा, फोर भी है, 4 ट्वेल्व3 सर 12, माइनस और इसके क्या, बाद इसका इसका वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला दी गया पांच, था, 4+36+3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, नौ, 40, 49, तो यहाँ पे निकालेगा 2+6 8, 2+6 आठ बाई सात, तू सही तो कह रहा है। ये, और यहाँ पे कितना आएगा 36 और 4 49 और 8/7, तो ये अरे इसका सही आंसर तो होगा कह रहा था सर, 8/7। टाइम बट डोंट इस, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आना है क्लास में, नहीं अच्छा पढ़ अभी के लिए, अभी के लिए टाइम हो चुका है। अरे सर प्लीज सर, बहुत क्वेश्चन है आपका, अभी ए वेक्टर आपका 13 है, बी वेक्टर आपका 5 है, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 60 है, और आपसे मैंने पूछा बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा? आगे क्या होगा अगर इस आंसर निकालोगे?
आपको क्या मिलेगा? नहीं, नहीं। ठीक है ऑपरेटर, क्या मेरी थोड़ी आ जाएगी। नहीं हो गया सर, ठीक हाँ चलो निकालो इसे। हाँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। नेक्स्ट क्लास में इसके अंदर प्रोडक्टिविटी करेंगे। अब तुम्हें ये निकालना है तो क्या कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड? मतलब आपको सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही निकालना है। ए क्रॉस बी का अगर मैं बेटर अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होता है? ए बेटर ए बी साइन थीटा और एक थर्ड डायरेक्शन होती है, बट इसका मैग्नीट्यूड यही होगा। इसका मैग्नीट्यूड यही होगा। तो आपको ये करना है। तो यहाँ पे देखो उनका ये 3 है, ये 13 है, ये 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन ऑफ थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, एंगल पता है मुझे। ए दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है? 60। अरे तो सर ये भी अपन मॉडल से बिंदु मॉडल भी लगे मालूम, हाँ ये हाँ भी ऐसे ही तो मिलेगा। अगर मैं कॉस ऑफ अगर थीटा निकालता हूँ तो क्या होगा? इतना मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ना फिर ये 60 अपॉन कितना होगा? 13.315 65। हाँ इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये होगा 12 बाई 13। 12 बाय 13 ये कॉस थीटा है। अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ तो क्या बोलेगा? ये 12 इसमें क्या था? ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा? 5 बाय 13 है। बस निकाल लो 13। इसे सॉल्व करूंगा कितना है? 13 × 5 × ये कितना है? 5 बाय 13। तो आपका बताइए आंसर कितना आएगा? 25। 20 25। चलो यस सर, होंगे छुट्टी। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है? बेटर क्रॉस प्रोडक्ट, वो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे और ओके प्लेन्स करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक यस है? बाय सर। बाय बाय। बाय।